जी जब उड़ती है हेलीकॉप्टर में हम लोगों का दिल बहुत चौड़ा हो जाता है। आपको क्या चाहिए? वो बहन जी चाहिए, बहन जी चाहिए। रिकॉर्ड तोड़ दिए और रिकॉर्ड तोड़ जनसभा हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। लाखों की संख्या में महिलाएं हैं। ये भले हकीकत ये है कि ये सरकार बदल चुकी है। मानवर साहब बहन जी को देखने आए थे। भाती मेरी बहन है जिसे हमारा भविष्य है, उज्जवल है। तो मैं पूरे उससे कहती हूँ हम 250 से पार हैं इस बार। अभी सारे के सारे ये बहुजन प्रत्याशी है, इनको आप लाइव करिए। ये सभी प्रत्याशी है, बीएसपी के प्रत्याशी है, और ये सभी इनको सबको लाइव करिए। ये है हाथी पर कितने एमएलए प्रत्याशी हैं, इनको आप दिखाइए। ये सब लोग ये सब लोग ये सारे के सारे प्रत्याशी हैं, और यहाँ जय भीम ये सब लोग ये प्रत्याशी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेंगे। और यहाँ से अभी बहन जी ने रैली कंप्लीट की है, और यहाँ इनसे पूछते हैं, ये महिलाएं खड़ी हुई हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ वोट देंगी। बहन जी वोट कहाँ देंगी? जी बीएसपी को देंगे बहन जी को। बीएसपी हाथी में, हाथी पर वोट लगाने के लिए तैयार हैं। इनको कवर करिए। हाँ जी बहन जी कहाँ वोट डालेंगी? हाथी में, 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 हाथी में। ये सब जय भीम की महिलाएं हैं। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। ये महिलाएं बहुजन महिलाओं को बहन मायावती जगा के गई हैं, और ये जाग चुकी हैं, सत्ता बनाने के लिए तैयार हैं, और ये कहती हैं कि इनका वोट हाथी पे पड़ेगा। जय भीम। बहुजन वॉलंटियर फोर्स के मायावती जी जिंदाबाद, मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं जमीनी हकीकत दिखाता हुआ बेला के ग्राउंड से, रैली ग्राउंड से, अरे लाखों लोग आए हुए थे यहाँ। किलोमीटरों तक, 4 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ा तब हम रैली स्थल तक पहुंचे। इतनी भीड़ थी। ये है जन समूह है, यही सत्ता बनाएंगे। जय भीम मैम, जय भीम, जय भीम। आइए, आप आज रैली कैसी रही आप बताएंगे? दिल्ली से आई है मैडम। हाँ। देखिए अब तक जहाँ जहाँ तक मैं गई हूँ, हाँ। खासकर मैं पहले बात करूंगी, अभी मैं परसों उत्तराखंड में थी, उत्तराखंड में भी बहन जी की जनसभा थी। तो मैंने अपने संबोधन में कहा था कि उत्तराखंड की जनसभा सबसे बड़ी जनसभा हुई है, हाँ। लेकिन आज कानपुर की जनसभा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और रिकॉर्ड तोड़ जनसभा हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है। लाखों की संख्या में महिलाएं हैं। ये भले प्रोटोकॉल 1000 का था, तो ये जज्बा है बहन जी के प्रति, सम्मान है। और जिस तरह से महिलाओं की तरफ एक आस लगाकर देख रही है, तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो आप जो सेकंड फेज का आप चल रहा है, पहला फेज का तो मतदान हो चुका है, अब आपका क्या असेसमेंट है बीएसपी की, कितनी सीटें आएंगी? देखिए बीएसपी की सीटें अगर मैं बात करूं, देखो मैं हवा हवाई बात नहीं करूंगी, जिस तरह से लोग कहते हैं कि 400 में से 403 हमारी सीटें आ रही है, 400 की 400 आ रही है। अगर धरातल पर बात करें, जिस तरह से आज आम वोटर तरस रहा है, एक टकटकी लगाकर देख रहा है कि जिस तरह से बहन जी का शासन, प्रशासन, अनुशासन लोगों ने देखा, तो एक बहुत बड़े स्तर पर उम्मीद है। और जो जमीनी सर्वे कह रहा है, तो मैं पूरे उससे कहती हूँ हम 250 से पार हैं इस बार। 250 से पार, इसका मतलब है कि बहन जी की बहुमत, बड़े बहुमत से सरकार। जमीनी हकीकत को दिखाता हुआ अनिल कुमार जी, ये बताइए, ये तो आपका वोट कहाँ पड़ेगा? ये एक मिनट, ये हाथी वाले खाने पे। आप कहाँ से आए हैं? हम रसूलाबाद विधानसभा से। रसूलाबाद विधानसभा, तो हाथी को ही वोट क्यों डालेंगे? अरे हाथी मेरी बहन है,
जिससे हमारा भविष्य उज्जवल है। भविष्य आपके भविष्य के लिए महिलाओं के लिए तो कितना मंदिर बना दिया उन्होंने। अरे नहीं, मंदिर से हमारा भला नहीं होना है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे। अरे गैस के सिलेंडर दे दिए आपको। भैया हमें नहीं चाहिए सिलेंडर। नहीं चाहिए? नहीं नहीं। आपको क्या चाहिए? वो ये सारी महिलाएं कह रही है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बहन जी की सरकार चाहिए। ये एबीवीएफ के कार्यकर्ता, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार गौतम, रसूलाबाद 205। हाँ जी, क्या नाम है? नीरेश कुमार गौतम, बीबीएफ जिला सहयोजक। कहाँ पड़ेगा वोट? पड़ेगा हाथी। वोट कहाँ पड़ेगा? हाथी में। वोट कहाँ? हाथी वाले खाने में। हाथी वाले खाने में। ये भाई साहब वोट कहाँ पड़ेगा? बस बीएसपी। हाथी में। बहन जी जब उड़ती है हेलीकॉप्टर में हम लोगों का दिल बहुत चौड़ा हो जाता है। बहन जी आप संघर्ष करो। ये बहन जी का नीला हेलीकॉप्टर। मायावती जी मन कुमारी, मायावती जी बहुजन समाज पार्टी। आपके 2022 में बहन जी को हम लोग मुख्यमंत्री बना के। बच्चा भीम का। बीएसपी की क्या पहन? बच्चा भीम का। बीएसपी की भीम का। बाबा साहब मानवर साहब। से बहन जी द्वारा संचालित ऊर्जा से बहन जी को देख करके उत्साहित होकर के उत्तर प्रदेश में पांचवी बार बहुजन सरकार बनाने के लिए संघर्ष करो। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जमीनी हकीकत से दिखाते हुए। हाँ बेटा, क्या करने आए थे बच्चे? क्या नाम है? बहन जी को देखने आए थे। वाह, बच्चे बहन जी को देखने आए थे। ये है उत्साह, ये है नीला समुद्र। और इस नीले समुद्र का देखो कितना भारी जनसैलाब। मनवादी मीडिया ये आज तक, कल तक, परसों तक झूठा बिका हुआ मनवादी मीडिया इसको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन बहुजन सेंचुरी चैनल दिखाएगा। और यही हकीकत ये है कि ये सरकार बदल चुकी है, सरकार बदल चुकी है, जो कि मैं जमीन से दिखा रहा हूँ। लोगों के चेहरों पर उत्साह है, ऊर्जा से भरे हुए लोग। हाँ जी मान्यवर, शुभ नाम क्या है सर? चंद्रशेखर सोनी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इतना बड़ा जन सैलाब को देख करके, बहन जी को सुनने के बाद? बहन जी पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बना रही हैं। क्यों सर? इसलिए कि सर्व समाज साथ में है। हाँ। हर समाज का यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है और बहन जी पूरी ताकत से जो है जनता उनके साथ में है। हर विधायक हमारा जीत रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी बनाने जा रही है। मान्यवर क्या शुभ नाम है मान्यवर? हमारा जगमोहन दौरे, मंडल कोऑर्डिनेटर। कहाँ से आए हैं? हम औरैया से आ रहा हूँ। और हमारी बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है इस जन सैलाब को देखते हुए। जन सैलाब कैसे? ये वोट डाल के ही तो बनेगा। हाँ, वोट डाल के बनेगा, लेकिन हमारी जो मजबूती है वोट से लेके, बूथ से लेके और आपके कमेटी जितनी है बूथ से लेके सेक्टर तक, हमारी जो है वो सभी मजबूती से तैयारियां चल रही। माननीय बहन जी के निर्देश अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं, सभी कार्यकर्तागण और आप सभी हमारे सर समाज की पार्टी है। आज बहन जी ने एक निर्देश दिया और यहाँ लिखा भी है, हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हाँ। तो बूथ को कैसे जिताएंगे? हाँ, हर बूथ का सिपाही जितना भी है सब अपने अपने जगह पर तैयार है। निचले स्तर पर पूरा काम हो रहा है और सर्व समाज को, गाँव में जितने समाज रहते हैं सर्व समाज को ये कार्यकर्ता लेकर के चल रहे हैं। और हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, वो अपना दावा से ये अपना बूथ जिता के हर हाल में लेकर के जाएंगे। अच्छा। हाँ। तो इस तरह से आप हर कार्यकर्ता को बूथ तक ले जाकर बिल्कुल। ओके, धन्यवाद आपका। हाँ जी भाई साहब, वोट कहाँ पड़ेगा? क्या शुभ नाम है? धर्मेंद्र सिंह राजपूत साहब। तो ओबीसी समाज को योगी जी ने मंदिर बनवा तो दिया, और क्या चाहिए आपको? ओबीसी को तो मंदिर चाहिए था। नहीं, तो अब आपको क्या चाहिए? आपको जी यहाँ मंदिर से बताओ। इस बहन जी की रैली में आया हूँ और बसपा को वोट करना भाई।
बसपा, लेकिन ओबीसी समाज को तो वो मंदिर चाहिए था। मंदिर से क्या मतलब, अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या कुछ विकास कर सकता है क्या? तो अरे देखिए, आपको देखो खाने के लिए पैसे जनता को दे ही रहे हैं, वो अनाज दे रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, आस्था का विषय डेवलप कर दिया, भगवान तक के दर्शन करा दिए, तो और क्या चाहिए? वो भी ऐसा, चाहिए क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। ये गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। ओके। सिर्फ मंदिर से बनाने से अगर विकास हो जाए तो कहीं हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहिए इनको, कहीं ट्रीटमेंट के लिए केवल मंदिर ही भेजना चाहिए फिर तो। अच्छा, आस्था है, मंदिर से पूजा करता है व्यक्ति, ऐसी बात नहीं, आस्था है, लेकिन उसके लिए साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है और हॉस्पिटल भी जरूरी है, ये सारी चीजें होना चाहिए। ये राजपूत जी ये कह रहे हैं कि ये मंदिर आस्था का अपना पर्सनल विषय है, इसका लोगों के विकास से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ वो आए हैं, ओबीसी समाज जाग चुका है, हमें बताया गया, भारत के लोगों को गूगल पे पता है कि गायों की गणना होती है, भैंसों की गणना होती है, गधों की गणना होती है, ओबीसी जो इंसान है उसकी गणना नहीं होती। और ओबीसी के नेतृत्व करने वाले लोग, ओबीसी के नेता 70-75 साल में अपने इंसानों की गणना नहीं करवा सके। ओबीसी समाज जो भारत का 60-70% समाज है, ओबीसी की 3,000 से ज्यादा जातियों की जेलों में कैद लोग, ओबीसी के जातियों में 3,000 से जातियों में ज्यादा कैद लोग अपनी गणना नहीं करवा पाए 75 साल में, क्या कर रहा है ओबीसी नेतृत्व? ओबीसी नेतृत्व की कम से कम 150 से ज्यादा पार्टियां हैं, अलग अलग नाम से पार्टी, अगर अगर जाति से पार्टी, क्या ही वो ओबीसी की सरकारें 27% आरक्षण दिलवा पाई? अगर नहीं दिलवा पाई क्या करूं मैं ऐसी पार्टियों का, क्या करें? लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। अब ओबीसी समाज जाग चुका है, हमें बताया ओबीसी के समाज के लोगों ने कि उनकी गणना के लिए जाति जनगणना होगी, जब जाति जनगणना होगी तो कांग्रेस बीजेपी और जितने मनुवादी लोग वो समझ जाएंगे कि ओबीसी को 27% नहीं 60% आरक्षण चाहिए, 60% ओबीसी का हिस्सा। ये यादव कुर्मी तेली नाई अहिर गडरिया पासी लोधी लोग, इन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है। काश ये कांग्रेस ने जो 2011 में जनगणना मनमोहन सिंह की सरकार ने कराई, लेकिन डाटा पब्लिश नहीं किए, क्यों नहीं किए? ओबीसी को पता नहीं। और 2014 में ओबीसी, उसके बाद 2017 में फिर मिसगाइड किया, उसके बाद वो 2019 में मनुवादी बीजेपी और कांग्रेस ने ओबीसी को भ्रमित किया, उनके अधिकार लूट लिए धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। क्या मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर बच्चों को ये पार्टियां बनाने वाले लोग नौकरी दे देते तो लैपटॉप नहीं देने पड़ते, तो उन्हें सिलेंडर नहीं देने पड़ते, तो फिर उन्हें ये साइकिल स्कूटी नहीं देनी पड़ती, तो उन्हें अनाज भी नहीं देना पड़ता, वो अनाज भी खरीद लेते, वो लैपटॉप भी खरीद लेते, वो मकान भी खरीद लेते और वो आजाद हो जाते। मुझे लगता है ओबीसी नेताओं को, जो भी ओबीसी के वर्ग के समाज है, उनको जगाने का समय आ गया है, उन्हें अपना 80% हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें 80% रोजगार में हिस्सेदारी मांगनी चाहिए, उन्हें वो सारे राजभर समाज से, यादव से, कुर्मी तेली नाई पटेल गडरिया कुर्मी काछी को लोधी लोगों को अपना हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा मैं बहुजन सेंचुरी चैनल से बहुजन समाज को इस बेला की जमीन से करता हुआ। क्यों मान्यवर राजपूत साहब, भाई साहब क्या शुभ नाम है? लालूपाल। लालूपाल पाल साहब, ये बताओ आप मंदिर चाहिए या हिस्सेदारी चाहिए? हिस्सेदारी। क्यों? आरक्षण चाहिए। तो पाल समाज के एक बहुत बड़ा, बहुत भारी दक्षिण भारत का अंबेडकर, क्या पाल समाज के लोग, मेरा ये प्रश्न है राजू पाल साहब, क्या पाल समाज के, गडरिया समाज के लोग क्या ईवी रामास्वामी नाइक्कर को जानते हैं?
नहीं। कौन थे? पाल साहब से पूछ रहा हूँ ये प्रश्न। आपने कहा पाल हैं, तो ई वी रामास्वामी नायकर जो दक्षिण भारत के अम्बेडकर हैं, जिन्होंने सच्ची रामायण की चाबी, जिन्होंने ललित सिंह यादव ने जो किताब का हिंदी में रूपांतरण किया वो लिखी थी उन्होंने दक्षिण में, तो क्या आप उनको जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते, मेरी आशा है आप गूगल पर देखेंगे, देखेंगे, देखिएगा तो फिर वोट कहाँ डालेंगे? बीएसपी में। बीएसपी में? क्योंकि बीएसपी की रैली में आए? क्यों क्यों बीएसपी में? क्यों बीएसपी की? बीएसपी की विचारधारा अच्छी है। अच्छी विचार धारा की लड़ाई है। क्या नाम है भाई साहब? रोहित कुमार गौतम। रोहित कुमार गौतम, कहाँ से आए हो? फरकाबाद जिला रजीपुर। वोट कहाँ डालोगे? बहन कुमारी मायावत। अच्छा जी, क्या शुभ नाम है भाई साहब? मुन्ना पाल। मुन्ना पाल जी, ये विधानसभा अध्यक्ष है मुन्ना पाल जी, कौन सी विधानसभा अध्यक्ष? 204 औरैया सदर। औरैया सदर से पाल साहब, ये बताओ, पाल साहब का एक बहुत बड़ा नेता था दक्षिण भारत का, अम्बेडकर कहते हैं जिनको, गढ़िया समाज के, उनका नाम है ई वी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने पूरा पेरियार साहब, जिन्होंने पूरा दक्षिण भारत जगा दिया, और 75 सालों में जो तमिलनाडु में 75 साल में कोई कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, कोई बीजेपी की सरकार 75 साल से नहीं बनी, क्योंकि वहां पाल समाज का एक बहुत भारी नेता दक्षिण भारत का अम्बेडकर। तो क्या आप ई वी रामास्वामी नायकर को जानते हैं? जी जी, सुना है, जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं उनको। अच्छा, उन्होंने तो फिर आप कब से लगे हैं बीएसपी? बीएसपी में हम करीब करीब 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए? जी जी जी। तो फिर यही बीएसपी में वोट डालते हैं? जी जी जी। चलिए जी, शुक्रिया पाल साहब, जय भीम। ये पूरी जमीन की हकीकत की सच्चाई को दिखाता हुआ बहुजन सेंचुरी चैनल से अनिल कुमार, जय भीम, जय भारत।